वर्षों से हो रहा है मेल। ग्रह नक्षत्रों का सब है खेल, ब्रह्मांड में ग्रह रोज बदलते हैं अपनी चाल। आइए जानते हैं इस हफ्ते कौन सी राशि होगी मालामाल। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनीश ऋषि शनि पीठ मंदिर 38/18 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज पुणे आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ इस सप्ताह का राशिफल लेकर। राशिफल जो आपको बताएगा हमें क्या करना चाहिए इस हफ्ते, क्या नहीं करना चाहिए, हमारे लिए क्या शुभ होने जा रहा है और क्या हमें अशुभता प्रदान करने जा रहा है। आइए देखते हैं क्या कहते हैं आपके सितारे इस सप्ताह सोमवार से लेकर रविवार तक क्या क्या गुण खिलाएंगे ये आपके जीवन में। यह सब जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए हमारा साप्ताहिक राशिफल जो हर सप्ताह आपके समक्ष हम प्रस्तुत करेंगे आपके मार्गदर्शन के लिए, जिसके आधार पर आप अपने कर्मों को सुधार कर अपने कर्मों में सुधार लाकर अपने भाग्य को परिवर्तित कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं ही विधाता होता है। अगर वो दृढ़ संकल्प कर ले तो बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करते हुए परम सत्ता को प्राप्त हो सकता है। आप सभी के समक्ष हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी इसके एक जीते जागते उदाहरण हैं। जीरो से शुरू होकर आज वो हमारे राष्ट्र के ही नहीं विश्व के हीरो बने हुए हैं। तो आइए हम सब नरेंद्र भाई मोदी जैसे कर्मयोगियों से प्रेरणा लेकर अपने भाग्य को परिवर्तित करने का प्रयास करें और अपने जीवन में खुशहाली लाने का प्रयास करें। तो इस विषय पर आगे चर्चा करने से पूर्व मैं आप सभी लोगों से एक बार पुनः अनुरोध करूंगा कि जिन लोगों ने मेरे इस चैनल गुरु रजनीश ऋषि जी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वह इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के यानी घंटी के बटन को दबाना, आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। अगर आप घंटी के आइकन को दबाएंगे तभी आपको हमारे जो नए नए वीडियो जो हम आप सभी लोगों के लिए बनाते हैं उनकी सारी जानकारी रिलीज होने के साथ ही उस वीडियो के आपको स्वतः ही आपके मोबाइल पर प्राप्त हो जाएगी। मिथुन राशि के जातकों के लिए 5 अगस्त से प्रारंभ होने वाला यह सप्ताह जो कि 11 अगस्त 2019 तक चलेगा, यह सप्ताह मानसिक रूप से उलझनों से घिरा हुआ सप्ताह है। मानसिक उलझनें बार बार आपको विचलित करेंगी। आपको जो धन लाभ के अवसर प्राप्त हो रहे हैं उन अवसरों में विघ्न की उत्पत्ति होगी। उस विघ्न को दूर करने के लिए आप अपनी माता के चरण छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें तो निश्चित रूप से आपको जो धन लाभ होने वाला है वह निश्चित रूप से आपको प्राप्त हो जाएगा। आपके जो प्रेम संबंध हैं, जो प्रेमी युगल हैं, उनके लिए यह सप्ताह निश्चित रूप से एक अच्छा सप्ताह है। इस सप्ताह में वो काफी मौज और मनोरंजन कर सकते हैं, अपना एक दूसरे को समझने के अच्छे अवसर उनको प्राप्त होंगे, एक दूसरे से बार बार मिलन होगा। इस हफ्ते के दौरान प्रेमी युगल के लिए एक आदर्श हफ्ता माना जा सकता है जहां वो एक दूसरे से गुटरगू करते हुए अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं विभिन्न प्रकार की मानसिक उलझनों से गुजरने के दौरान भी। पेट की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से बृहस्पति ग्रह से संबंधित परेशानियां आपको कष्ट पहुंचा रही हैं। आपके लीवर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है तो तले भुने खाने से परहेज रखें, मिर्ची वाले खाने से परहेज रखें, वन्यथा आपको डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ जाएंगे। पत्नी से वार्तालाप के दौरान मधुर शब्दों का, मन मोहने वाले शब्दों का ही इस्तेमाल
करें, थोड़ा रोमांटिक बनने की कोशिश करें, अन्यथा पत्नी से मनमुटाव आपको भारी पड़ सकता है। भाग्य की दृष्टि से भी अगर आप पत्नी को खुश रखेंगे तो निश्चित रूप से भाग्य यहाँ आपका साथ देगा और आपको इस सप्ताह के दौरान आपको आर्थिक लाभ होने की संभावना है। लेकिन आपको सजेस्ट करें कि हम किसी भी प्रकार के सट्टे, रेस कोर्स या लॉटरी के लिए प्रमोट नहीं करते हैं। तो आप जो भी अपनी इन्वेस्टमेंट करें बहुत सोच समझ के करें। इस सप्ताह के दौरान बॉस से या अपने सहयोगी हैं, अगर आप नौकरी करते हैं या आपका व्यापार करते हैं तो अपने सहयोगियों से, अपने पार्टनरों से या एम्प्लॉई से प्यार से वार्तालाप करें ताकि उनके साथ आपके अच्छे संबंध हो और वो आपके लिए या आप उनके लिए अच्छी प्रकार से कार्य कर अपना प्रमोशन पाकर उन्नति कर सकें। अगर आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी, चाहे वो आपके बच्चों का पढ़ाई में मन ना लगता हो या उनके एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आते हो इस वजह से परेशान है, या नौकरी ना मिलने से परेशान है, या नौकरी प्रमोशन और बॉस की वजह से परेशान है, या व्यापार की वजह से परेशान है, या धन की कमी की वजह से परेशान है, या फिर आपकी शादी नहीं हो पा रही है, या अगर शादी हो गई है तो शादी में ग्रह कलेश की वजह से परेशान है, या संतान ना होने की वजह से परेशान है, या व्यापार में हो रहे घाटे की वजह से परेशान है, या फिर आपके पास अपना मकान नहीं है या अपना व्यापार स्थल नहीं है उसकी वजह से परेशान है, या फिर आप अपनी या अपने परिवार के किसी सदस्य की बीमारी की वजह से परेशान है, तो आप बिना किसी झिझक के स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमसे संपर्क करके हमारे लिए यानी गुरु रजनीश ऋषि के लिए, गुरु मां रुक्मणी जी के लिए या स्वामी राज ऋषि जी के लिए वीडियो कॉल बुक करा के उनसे अपनी परेशानियों के उपाय जान सकते हैं, जिन्हें करने से निश्चित रूप से आपके जीवन में धीमे धीमे करके अभूतपूर्व परिवर्तन अवश्य आएगा, ऐसा अटल सत्य है। और उन सभी लोगों के लिए यह बात अटल सत्य साबित होती है जो व्यक्ति सनातन हिंदू धर्म में, परमपिता परमात्मा में और नवग्रह देवताओं में असीम आस्था रखते हुए इन उपायों को सच्चे मन से करते हैं और करने के उपरांत फल देने के लिए परमपिता परमात्मा के ऊपर छोड़ देते हैं, उन व्यक्तियों को निसंदेह इन उपायों को करने से अवश्य फल की प्राप्ति होती है। तो कुल मिलाकर मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह सप्ताह मिला जुला सप्ताह है, खुशियां भी देने वाला सप्ताह है, तो थोड़ा मनमुटाव वाला भी सप्ताह है। इस सप्ताह के दौरान अगर बुध से संबंधित तांत्रिक बीज मंत्र का प्रयोग मिथुनगल वाले लोग करेंगे तो निश्चित रूप से उस मंत्र की नित्य प्रति 3 माला करने से उनको अवश्य ही फायदा होगा। जो मंत्र है वह इस प्रकार से है, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः। यह तांत्रोक्त बीज मंत्र है बुद्ध देवता का, जिसके फल हमें शीघ्र मिलते हैं। वैसे मेरी जो सलाह है मिथुन राशि वाले लोगों के लिए कि उन्हें जीवन भर बदल बदल कर यानी हर 3 साल बाद बदल कर पन्ना रतन, अपनी राशि का जो रतन है प्रॉपर तरीके से मंत्र सिद्ध, प्राण प्रतिष्ठित और जागृत करवा कर जीवन भर अपने सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में धारण करना चाहिए। प्रिय भक्तगणों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आपको अपने ग्रह की दशा को सुधारने के लिए रतन की अंगूठी पहननी पड़ेगी, लेकिन यह रतन की जो अंगूठी या अंगूठियां हैं वह प्रॉपर तरीके से मंत्र सिद्ध, प्राण प्रतिष्ठित और जागृत होनी चाहिए, तभी वह अंगूठियां आपको फायदा देने में समर्थ होती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने अभी आपको बोला कि ये अंगूठियां पहनी, आप दौड़कर सुनार की दुकान पर जाते हैं, वहां से अंगूठी बनवा कर पहन लेते हैं, फिर कहते हैं थोड़े दिन बाद गुरु जी मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ। अरे भाई, जब तक ये मंत्र सिद्ध नहीं होंगी, प्राण प्रतिष्ठित नहीं होंगी, जागृत नहीं होंगी और इन अंगूठियों को मंत्र सिद्ध, प्राण प्रतिष्ठित और जागृत करने वाले जो विद्वान हैं, आप समझ लीजिए उनकी जो गणना है, जो उनकी गिनती है, वो 1000 में से मुश्किल से 5 लोग, जो चाहे वो मंदिर में बैठने वाले हों या कोई आचार्य हो या कोई शास्त्री जी हो, उनकी गणना
जिन्होंने इन मंत्रों को सिद्ध कर लिया है, जागृत कर लिया है, वही व्यक्ति इन अंगूठियों को प्राण प्रतिष्ठा करने में सक्षम होते हैं। तो आप जब भी कोई रत्नों की अंगूठी अपने भाग्य के वर्धन के लिए या अपनी किसी भी प्रकार की परेशानियों को दूर करने के लिए बनवाएं, तो आप किसी योग्य और विद्वान व्यक्ति से ही उसे जागृत, मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा करवाएं। अगर आपको यह सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो आप बिना किसी झिझक के नीचे स्क्रीन पर जो हमारे नंबर आ रहे हैं उन नंबरों पर हमसे संपर्क करके अपने लिए किसी भी प्रकार के रत्न की लेबोरेटरी से सर्टिफाइड कराकर अंगूठी हमारे स्वयं के द्वारा मंत्र सिद्ध, प्राण प्रतिष्ठित और जागृत की हुई अंगूठी बिना किसी झिझक के पूरी दुनिया में कहीं भी बैठे हुए अपने घर पर मंगवा सकते हैं डाक द्वारा, या आप स्वयं यहां आकर यानी शनिपीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली आकर स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्यान रहे, जब भी आप इस प्रकार की कोई अंगूठी खरीदें, अंगूठी पहने, तो वह प्रॉपर किसी विद्वान और योग्य व्यक्ति से जिन्होंने इन मंत्रों को सिद्ध कर रखा हो उसी व्यक्ति से प्राण प्रतिष्ठित, जागृत और मंत्र सिद्ध कराकर पहननी चाहिए। इस सप्ताह के राशिफल को देखते हुए मैं मिथुन राशि वाले लोगों को 10 में से 5 अंक देता हूं। आज की इस चर्चा को विराम देते हुए शीघ्र ही मैं आप सभी के समक्ष अगले हफ्ते का राशिफल लेकर पुनः प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय शनिदेव।